गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल लर्न अबाउट वेदर एंड सीजंस पार्ट टू। आज हम लोग ऋतु और मौसम भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। ऑटमन सीजन हम लोग पढ़ चुके हैं, समर सीजन एंड रेनी और मानसून सीजन, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट ऑटमन सीजन। आज हम लोग पतझड़ वाले मौसम के बारे में पढ़ेंगे। ऑटमन सीजन फॉलो द रेन्स, पतझड़ बरसात के बाद आता है। दिस इज ए शॉर्ट सीजन, यह बहुत छोटा मौसम होता है। इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यह नहीं बहुत गर्म होता है नहीं वो ठंडा होता है। इस मौसम में नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। लीव्स ऑन द ट्री टर्न येलो एंड फॉल ऑफ, पेड़ों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं, गिरने लगती हैं। दिस सीजन इन ड्राई एंड विंडी, यह सीजन सूखा होता है और हवा वाला होता है, इसमें हवाएं चलती हैं। ऑटमन मदर्स और सितंबर एंड अक्टूबर, पतझड़ मौसम सितंबर और अक्टूबर में होता है। विंटर सीजन ठंडी का सीजन, विंटर सीजन है कोल्ड सीजन, जाड़े का मौसम ठंडी का मौसम होता है। द सन डज नॉट शाइन ब्राइटली, सूरज बहुत चमकीला नहीं होता है, सूरज बहुत तेज नहीं चमकता है। वी वियर वूलन क्लॉथ, हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, ओलन क्लॉथ कीप अस वार्म, गर्म कपड़े हम लोग को गर्म रखते हैं, ऊनी कपड़े हम लोग को गर्म रखते हैं। ए कोल्ड विंड ब्लोज एंड वी पुट ऑन आवर ग्लोव्स स्वेटर एंड कोट्स, ठंडी हवाएं चलती हैं और हम लोग अपने दस्ताने स्वेटर और टोपी इत्यादि पहनते हैं जब ठंडी हवाएं चलती हैं। तो वी लाइट फायर्स एंड यूज हीटर्स टू कीप अस वार्म, वी लाइट फायर्स एंड यूज हीटर्स टू कीप अस वार्म, हम लोग आग जलाते हैं और हीटर का प्रयोग करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। हीटर और आग का प्रयोग करते हैं। वे ई ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सूखे फल खाते हैं, हम लोग सूखे फल खाते हैं। हलवा एंड मेनी अदर हॉट थिंग, और हम लोग हलवा और भी दूसरी गर्म चीज़ें खाते हैं। वी इंजॉय समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ऑरेंज ग्रेप्स कॉलीफ्लावर्स एंड कैरेट्स, हम लोग गर्मी के मौसम वाले फल और सब्जियां जैसे संतरे अंगूर फूल गोभी और गाजर इत्यादि भी खाते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हेन इट इज समर इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज विंटर इन द अदर, जब विश्व के एक भाग में गर्मी पड़ती है तो दूसरे भाग में ठंडी पड़ती, क्यों? क्योंकि हमारी धरती गोल है, सूरज का प्रकाश हमेशा एक बराबर नहीं पड़ता है। ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के दौरान इट स्नोज इन द माउंटेन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में बर्फ जम जाती है, पर्वतों पे बर्फ जम जाती है। विंटर मंथ्स और नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, जाड़े का महीना नवंबर दिसंबर जनवरी है, अर्थात नवंबर दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है। स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु, फूलों का मौसम। स्प्रिंग सीजन बिटवीन विंटर एंड समर देयर इज स्प्रिंग सीजन, गर्मी और ठंडी के बीच का मौसम बसंत ऋतु होता है। इट इज वेरी प्लेजेंट इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु बहुत आनंददायी होती है। इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, इसमें नहीं गर्मी पड़ती और नहीं ठंडी पड़ती है। इट इज द सीजन ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, यह मौसम फूलों और तितलियों का होता है, यानी इस मौसम में अक्सर फूल और तितलियाँ देखे जाते हैं, फूलों पे तितलियाँ घूमती रहती हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्रेश लीव्स एंड कलरफुल फ्लावर्स इन स्प्रिंग, पेड़ नई पत्तियों से और रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, यानी कि बसंत ऋतु के मौसम में पेड़ और पौधे ताजे फूलों और ताजी पत्तियों से, नई नई पत्तियों से और रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। स्प्रिंग मंथ आर फरवरी एंड मार्च, बसंत का मौसम फरवरी और मार्च का महीना होता है। और डेली लाइफ इज अफेक्टेड बाई चेंज इन द सीजन, हमारी रोज की दिनचर्या, हमारे रोज की जिंदगी इन हमारी डेली लाइफ, हमारी प्रतिदिन की जिंदगी इन
मौसमों के द्वारा बदलती रहती है। वे ईट फूड एंड वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम जैसा मौसम होता है, जैसा समय होता है, उस हिसाब से खाना खाते हैं और कपड़ा पहनते हैं। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वी विल लर्न टुमारो।